आज हम लोग आई केयर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आई केयर क्या होता है। तो आई केयर में क्या करते हैं, जनरली आई को एक केयर प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से हम आई के अंदर इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को होने में हेल्प कर सकते, मतलब कहीं ना कहीं आई क्या है अपना फंक्शन नॉर्मल कर सके, तो वो क्या रहता है आई केयर। अब इसका हम डेफिनेशन देखें जनरली क्या होता है, तो यहाँ पर क्या है, हाइजीनिक केयर ऑफ द आई प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड हेल्प टू मेंटेन देयर फंक्शन। तो इसमें क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट करके मतलब हाइजीन करके क्या कर सकते हैं, उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसके फंक्शन को नॉर्मल रख सकते हैं। किसकी हेल्प से, हाइजीन केयर या केयर प्रिवेंट करके, किसकी, सॉरी आई की केयर करके। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके पर्पज़ कि क्या पर्पज़ होंगे आई केयर के। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट क्या है, टू मेंटेन द क्लीननेस ऑफ आई, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, आई को क्लीननेस कर सकते हैं, मतलब आई को क्लीन रख सकते हैं। सेकेंड क्या है आपका, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, किसके, आईज़ के इन्फेक्शन, क्योंकि हम प्रॉपरली अगर आई को अच्छे से क्लीन करेंगे या हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे तो हम क्या है इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू कीप ऑर्गन इन नॉर्मल फंक्शनिंग, तो हम इसको क्या है, जो ऑर्गन है उसको क्या करते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन करके रख सकते हैं। अगर हम प्रॉपरली आईज़ को क्या करें, हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे तो उसकी जो फंक्शनिंग है, जो उसकी नॉर्मल फंक्शन है, उसको हम प्रॉपरली कंडक्ट करा सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई ना कुछ डिस्चार्ज हो सकता है, टीयरिंग देखने को मिल सकती है, जो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, ये कंडीशन में देखने को मिल सकती है। बट अगर प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे तो क्या है, आई की जो फंक्शन है वो क्या रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। नेक्स्ट है, टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन से प्रिवेंट कर सकते, मतलब कोई ना कोई रुकावट, जैसे कि अगर आई की हम प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होगा या बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होगा, तो कहीं ना कहीं हमें विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ऑब्स्ट्रक्शन जो भी रुकावट है उन्हें हटा सकते हैं। अगर प्रॉपर आई को क्लीन करेंगे तो हम विजुअलाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से ईजिली क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम किसी भी टाइप के इन्फेक्शन को भी क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, आई की केयर करके या आई की हाइजीन मेंटेन करके। तो ये कुछ पर्पज़ हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आई को इन्फेक्शन फ्री रख सकते हैं और उसकी फंक्शन को नॉर्मल रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल्स कि अगर हम आई केयर प्रोवाइड करेंगे तो हमें कौन कौन से आर्टिकल्स की नीड होगी या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जब पेशेंट को हम क्या दे रहे हैं, आई केयर दे रहे हैं। तो इसमें दें क्या, फर्स्ट है आपका मेकिंग टॉयज, देंगे टॉयज का यूज़ करेंगे जो कहीं ना कहीं क्या करती है कि जो भी बेड वगैरह उसको क्या होने से, गीला होने से प्रिवेंट करेगी। नेक्स्ट है टॉवेल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ईजिली जो आईज या फेस को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टरल बॉल, तो हम एक स्टरल बॉल रखेंगे उसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन रखते हैं जो ईजिली आई को अच्छे से क्लीन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है स्टरल कॉटन स्वैब, तो ये क्या रहेंगे, कुछ कॉटन स्वैब रखेंगे जिसकी हेल्प से हम आई को क्या कर सकते हैं, ईजिली सिस्टमेटिक तरीके से क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल सलाइन क्या रहेगा, कहीं ना कहीं आईज को ईजिली क्लीन करने में हेल्प, मतलब एक सॉल्यूशन है या कुछ अदर सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम आईज को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, जो भी डस्ट वगैरह वहाँ पे है प्रेजेंट है उसको ईजिली हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है किडनी ट्रे एंड पेपर बैग, तो किडनी ट्रे एंड पेपर बैग की नीड होती है, तो कहीं ना कहीं किडनी ट्रे और पेपर बैग की क्या नीड है कि जो भी आईज है, जो भी डस्ट वगैरह जो भी डर्टी पार्टिकल जो निकलेगा उसे हम क्या कर सकते हैं, किडनी ट्रे या पेपर बैग में रख सकते हैं, जो भी आईज है, जो भी डिस्चार्ज वगैरह जो फॉर्म हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पर रखेंगे, किसमें रख देंगे, किडनी ट्रे एंड पेपर बैग में स्टोर कर सकते हैं, देन उसको हम बाद में कहीं ना कहीं डिफ्यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लीन फेस टॉवल, और हम क्या करेंगे, एक क्लीन फेस टॉवल होना चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, फेस को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं या आईज़ को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की हमें नीड होती है जब हम पेशेंट को क्या करते हैं, केयर ऑफ आई प्रोवाइड करेंगे, मतलब आई केयर की प्रोसीजर करेंगे जब हमें ये सारे इक्विपमेंट की क्या हुई, नीड होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट एंड एनवायरनमेंट, कि जब हम आई केयर देने जा रहे हैं उससे पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी पेशेंट को केयर देने के लिए, तो क्या और कैसा कैसा किस टाइप का हमें एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे केयर, तो पेशेंट को हमें जो प्रोसीजर उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है जिससे कि उसके अंदर कोई भी डाउट ना हो, साथ ही साथ उसके फैमिली मेम्बर को भी उसके बारे में बताना है, आई केयर के एडवांटेज के बारे में बताना है कि क्या एडवांटेज है। नेक्स्ट टाइम आई केयर के लिए एक प्रॉपर वहाँ पर हाइजीन मेंटेन करके रखना है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी आर्टिकल्स यूज़ करने वाले हैं उन्हें प्रॉपरली स्टेराइल करके रखना है जिससे कि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि उससे जाने से पहले जो भी आर्टिकल्स जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने जा रहे हैं उनको अच्छे से चेक करना है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं या कहीं ना कहीं कोई डैमेज तो नहीं है, देन कहीं ना कहीं देन अगर जो भी सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो हम सॉल्यूशन भी देखना है कि कहीं ना कुछ कोई कंटेंट एक्सपायर तो नहीं है, अगर हम वो यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आईज़ में कोई और प्रॉब्लम होने के बहुत ज़्यादा
चांस है। तो हमें सॉल्यूशन वगैरह को क्या करना है, अच्छे से चेक करना है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट टॉवेल वगैरह को अच्छे से रीचेक करना है, जिससे कि हम पता करते हैं कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाए, क्या कोई भी कंडीशन कॉज ना हो, तो हम ये क्या करें प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट हम इन्वायरमेंट मतलब एक सारी चीज़ों को बेड साइट में शिफ्ट करेंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो भी आर्टिकल उनको कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, बेड साइट के पास, जिससे ईजिली हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह हो एक गुड एंड कम्फर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, जिससे कि पेशेंट को वहाँ पर हमारा आई केयर देते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और पेशेंट के डाउट्स को क्लियर करेंगे और उसको एक सेटिस्फेक्शन क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिससे कि क्या होगा पेशेंट हमारे साथ प्रोसीजर करने के लिए एग्री हो जाए और सेटिस्फाई रहे। तो ये हम क्या करेंगे प्रोसीजर करने से पहले कुछ प्रिपरेशन, देन हम देखते हैं प्रोसीजर कि जब हम आई केयर देने जा रहे हैं तो हम प्रोसीजर कैसे कैसे फॉलो करेंगे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे जिसकी हेल्प से हम एक प्रॉपर वे से आई केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, हैंड वॉश करने हैं, क्या करने हैं हैंड वॉश करना है। अगर अवेलेबल है तो हम क्या है ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, वेयर दी ग्लव्स, देन क्या करना है आपको वेयरिंग दी ग्लव्स को वेयर करना है। देन हमें क्या करना है जो भी हमारे पास कॉटन स्वैब है उनकी हेल्प से क्या करना है आइस को जो भी सॉल्यूशन है उससे क्या करना है क्लीन करना है, कहाँ इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। तो ये आपका क्या रहता है इनर कैंथस रहता है, ये आपका आउटर कैंथस, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस हमें क्या करना है आइस को क्लीन करना है, कहीं ना कहीं से कॉटन स्वैब की हेल्प से या कॉटन वॉल की हेल्प से क्या करना है जो भी सॉल्यूशन है जो भी आपके पास सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसको यूज़ करके क्या करना है आइस को अच्छे से क्लीन करना है। कहाँ से आपको इनर कैंथस टू आउटर कैंथस से जब तक क्लीन करना है जब तक वहाँ पर कोई भी डस्ट वगैरह जो भी डर्ट पार्टिकल्स हैं वो ईजिली वहाँ से रिमूव नहीं कर सकती। देन अगर नेक्स्ट हम क्या करेंगे कहीं ना कहीं अगर कुछ डिस्चार्ज होता है उसको भी क्या करेंगे क्लीन करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं आइस को क्लीन करते हैं कहाँ से इनर कैंथस टू आउटर कैंथस तक। देन हम क्या करेंगे प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद पेशेंट को क्या करेंगे कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे। देन हम उसको जो भी टॉवल वगैरह उसे अच्छे से क्लीन करके उसे कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, उसे फ्री कर देंगे या उसको पूरा फ्रीली एडवाइस करेंगे किस तरह से आप कंटिन्यू आप आई केयर करते रहें। देन हम प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे हैंड वॉश करेंगे और जो भी हैं पेशेंट को एक कुछ मोटिवेट करेंगे और उसको अच्छे से उसकी केयर करने के लिए एडवाइस करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं आई केयर के प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे और हम आई केयर को अच्छे से आई को इन्फेक्शन स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं या उसकी जो डिसफंक्शनिंग हो रही है उसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो ये था, तो आज हम लोगों ने देखा आई केयर के बारे में जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, देन उसके हमने पर्पस देखे, साथ ही साथ हमने उसमें आई केयर में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखा, साथ ही साथ हमने प्रिपरेशन की हम किस तरह से आई केयर के लिए प्रिपरेशन करेंगे और प्रोसीजर को कैसे फॉलो करेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।